इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके जिसने ये पहनाई। 70-80 के दशक की एक अभिनेत्री जो अपनी मासूमियत और दमदार अभिनय के लिए जानी जाती थी। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, जो अपनी पहली ही फिल्म से फिल्मी लैला के रूप में घर घर में पहचानी जाने लगी। ऐसी अभिनेत्री जिनके साथ उस दौर के सभी निर्माता काम करना चाहते थे और जिन्होंने बैक टू बैक कई हिट फिल्में दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय के एक स्टार अभिनेता के साथ अफेयर की खबरों ने इनके अर्श पर चल रहे करियर को जमीन पर लापटका। क्या आपको पता है कि इन्होंने उस दौर में कई ऐसी गलतियां की जिससे रातों रात स्टार बनी इस अदाकारा को फिल्मों से संन्यास लेना पड़ा। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस सिनेमाई लैला पर अपने पति के साथ मारपीट और उन्हें जान से मारने की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप लगे? बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की मासूम और गंभीर से दिखने वाली अदाकारा रंजीता की, जो अपने शानदार अभिनय के लिए जानी जाती थी। कॉलेज की छोटी सी इलेक्शन जीतने के लिए आप लोग ऐसी हरकतें कर सकते हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप सेक्रेटरी बनना चाहते ना, शौक से बनिए। I am not contesting for the post anymore. हम रंजीता के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में और उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में चर्चा करें, उससे पहले जानते हैं कौन है रंजीता और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। कई सुपरहिट फिल्में देने वाली रंजीता का जन्म 22 सितंबर 1956 को पंजाब में हुआ था। इनका पूरा नाम रंजीता रॉबी कौर है। रंजीता ने बचपन में वैजयंती माला की एक फिल्म देखी थी और इसी से प्रभावित होकर उन्होंने फिल्मों में जाने का मन बना लिया था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए रंजीता ने फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट पुणे में एडमिशन लिया और अपने एक्टिंग स्किल्स को तराशने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली। हरनाम सिंह रवैल की 1976 की मशहूर फिल्म लैला मजनू इनकी डेब्यू फिल्म थी, जिसने रिलीज के साथ ही रंजीता को बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। रंजीता ने इस फिल्म में लैला का किरदार निभाया, जिसमें उनके मजनू बने थे ऋषि कपूर, जो अपनी फिल्म बॉबी से पहले ही सुपरस्टार बन चुके थे। रंजीता की खुशकिस्मती रही कि लैला मजनू के संगीत ने धूम मचा दी। अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, अब अगर हम से... और ये एक म्यूजिकल हिट भी रही। फिल्म में साहिर के लिखे गीतों और दो धाकड़ संगीतकार मदन मोहन और जयदेव ने मिलकर जो धुनें दी और मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर के इन धुनों में अपनी आवाज का जादू बख्शा, उसने इस फिल्म को बेहद सफल बना दिया। हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया झोलियां। इस फिल्म की सफलता के बाद रंजीता को बीआर फिल्म्स और राजश्री प्रोडक्शंस जैसे बैनर की फिल्में मिली। रंजीता ने बीआर फिल्म्स की पति पत्नी और वो में काम किया। ये एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें उनके साथ संजीव कुमार और विद्या सिन्हा जैसे मजे हुए कलाकारों ने काम किया। इस फिल्म में रंजीता ने ऐसी सेक्रेटरी का किरदार अदा किया था जिसका बॉस अपनी पत्नी की बीमारी के किस्से गढ़ता रहता है और अनजाने में वो पति पत्नी के बीच रिश्ते में दरार की वजह बन जाती है। इस फिल्म में रंजीता को लोगों ने खूब पसंद किया। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं, रेल के सामने खुद के जान दे दूं अपनी,
या नदी में डूब मरो। रंजीत रंजीत मेरी तरफ देखो रंजीत, तुम रोगे नहीं, मैं जो हूँ ना। इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई आंखियों के झरोखों से, जो राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म थी और इस फिल्म में उनके अपोजिट थे सचिन। ये एक अंग्रेजी उपन्यास पर आधारित फिल्म थी जो कि एक साधारण सी प्रेम कहानी थी। इसमें रंजीता ने कैंसर से पीड़ित लड़की का किरदार निभाया था। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही। ये फिल्म और इस फिल्म का संगीत आज भी उतना ही फ्रेश लगता है जितना उस जमाने में हुआ करता था। फिल्म में रंजीता की सादगी भरी खूबसूरती और उनकी मासूम अदाकारी ने लोगों को दीवाना बना दिया। फिल्म में रंजीता के किरदार की मौत आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है। रंजीता उस समय कितनी डिमांडिंग हो गई थी, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमिताभ बच्चन उस समय अपने करियर के पीक पर थे। सभी अभिनेत्रियां जब उनके साथ काम करना चाहती थीं, तो रंजीता को ये मौका बहुत ही जल्दी मिल गया। रंजीता ने अमिताभ के साथ फिल्म सत्ते पे सत्ता में काम किया। भले ही फिल्म में उनका रोल छोटा था, पर बहुत ही महत्वपूर्ण था। रंजीता ने उस समय के लगभग सभी बड़े सितारों जैसे अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, ऋषि कपूर, अमोल पालेकर, विनोद खन्ना, राज बब्बर और मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई फिल्मों में काम किया। इस तरह से मेरी जिंदगी में इस दौरान रंजीता ने सुरक्षा, तराना, हमसे बढ़कर कौन, आदत से मजबूर, बाजी, गुनाहों का देवता, उस्तादों के उस्ताद, सुन सजना, वो जो हसीना जैसी फिल्मों में काम किया। साथी तेरे साथ एक दिन जीवन कर जाएंगे। रंजीता ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ राजश्री प्रोडक्शन की सुरक्षा समेत कई और फिल्में की। इसी दौरान रंजीता और मिथुन के अफेयर्स की खबरें भी मीडिया में खूब उड़ने लगी। बताते हैं कि रंजीता इस दौरान अपने शोहरत के चरम पर थीं और वो इस शोहरत को संभाल नहीं पाईं। उनमें तुनक मिजाजी आने लगी और वो चिड़चिड़ी होती जा रही थीं। साथ ही नए दौर के हिसाब से अपने को न ढाल पाने के कारण वो दूसरी अभिनेत्रियों से पिछड़ती चली गईं। खबरों की माने तो उस वक्त रंजीता ने फिल्मों में बोल्ड सीन्स देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उनका करियर दूसरी एक्ट्रेसेस के मुकाबले पीछे रह गया। कुछ जानकार बताते हैं कि रंजीता एक तो फिल्मों का चुनाव सही तरीके से नहीं कर पाई और हर फिल्म साइन करने लगी। वहीं मिथुन के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियां भी उनके करियर पर भारी पड़ने लगे और उनका करियर डूबने लगा। उनके फिल्मों के गलत चुनाव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने फिल्म तेरी कसम में कुमार गौरव की बहन का किरदार निभाना स्वीकार कर लिया। इस फिल्म के साथ लगभग ये तय हो गया कि मुख्य अभिनेत्री के रूप में उनका करियर अब खत्म हो जाएगा। महज 15 साल के फिल्मी सफर के बाद रंजीता ने फिल्मों से संन्यास लेना ही बेहतर समझा और 90 के दशक में इंडस्ट्री छोड़ दी। आखिरी बार वो 1990 में फिल्म गुनाहों का देवता में नजर आई थी। रंजीता को एहसास हो गया था कि फिल्मों में उनकी दाल अब नहीं गलने वाली, तो वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ पुणे चली गईं, जहां उन्होंने एक स्कूल में काम किया और फिर एक बिजनेसमैन राज मसंद से शादी कर ली। तकरीबन 15 साल बाद 2005 में रंजीता ने फिल्म अनजाने से बड़े पर्दे पर वापसी की कोशिश की, लेकिन उनका जादू दर्शकों पर नहीं चल पाया। उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया, लेकिन ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। इस तरह रंजीता ने लगभग 47 फिल्मों में अभिनय किया। अवार्ड्स की बात करें तो रंजीता को फिल्म आंखियों के झरोखों से के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, पति पत्नी और वो और तेरी कसम फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन उन्हें एक बार भी ये पुरस्कार मिल नहीं सका।
गुमनामी में रहने के बाद साल 2019 में रंजीता तब अचानक चर्चा में आ गईं जब उन पर उनके पति ने मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। उनके पति बिजनेसमैन राज मसंद ने सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन पर कॉल करके बकायदा ये बयान दर्ज कराया कि पत्नी रंजीता कौर और उनके बेटे स्काई ने मिलकर उन्हें शारीरिक प्रताड़ना दी और साथ ही जान से मारने के लिए चौथे माले से धक्का देने की कोशिश भी की। पुणे पुलिस ने इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू की। फिर पता चला कि रंजीता पहले अपने पति राज और बेटे स्काई के साथ नॉरफॉक वर्जीनिया अमेरिका में रहती थी और वो लोग कुछ साल पहले ही पुणे के कोरेगांव पार्क शिफ्ट हुए थे। उनके पास वर्जीनिया में 7-11 स्टोर्स की एक श्रृंखला थी। दरअसल राज और रंजीता का बेटा स्काई अमेरिका से पढ़ाई और कुछ दिन वहीं पिता के साथ काम करने के बाद भारत आया, जिसके बाद अपना खुद का बिजनेस करना चाहता था। घर में विवाद तब शुरू हुआ जब राज मसंद ने अपने बेटे को बिजनेस के लिए पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि माँ बेटे मोटी रकम की डिमांड कर रहे थे। आरोपों के मुताबिक फिर रंजीता और बेटे ने राज मसंद के साथ मारपीट की और चौथे फ्लोर से धक्का देने की कोशिश की। इस मामले में रंजीता ने अपनी सफाई में कहा कि हर घर में ऐसे झगड़े होते हैं, मेरे पति अमेरिका में काम करते हैं और मेरा बेटा भी उनके साथ काम करता है। बिजनेस की बात को लेकर ये बहस हुई थी और बात इतनी बढ़ गई कि मेरे पति ने पुलिस को फोन कर दिया। हालांकि मामला पुलिस में जाने के बाद परिवार के कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और इस मसले को पुलिस स्टेशन में ही सुलझा लिया गया। खैर, रंजीता और बेटे स्काई को कड़ी हिदायत देकर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया और अब इस घटना के कई साल बीत चुके हैं। पति राज मसंद और एक्टर पत्नी रंजीता अब भी साथ ही रह रहे हैं और तब से कोई नया विवाद सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको इससे जुड़ा हुआ कोई और किस्सा, कोई और कहानी हो तो वो भी लिख डालें। तो बॉलीवुड की कुछ और अनटोल्ड स्टोरीज के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।